दिल से दिल तक जेडी चैनल पर आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत। मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले 50 सालों के बाद अपने दौर के बेहद ही मकबूल तरीन गीत, बेहद ही सुमधुर गीत जो फिल्मों से रहे दूर, ऐसे गीतों की लंबी श्रेणी में आज दूसरे एपिसोड पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि दिल से दिल तक जेडी चैनल पर हम कभी भी किसी वीडियो पर आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या अपने दोस्तों के साथ मिलकर के हमें कमेंट दें। खास तौर से इसी कारण हम आपसे ये बात नहीं कहते कि हमारे वीडियो के जो टॉपिक है उसके कंटेंट को हम आप सब तक ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें, आपके टाइम की, आपके वक्त की पूरी भरपाई हो और आपको पूरा कंटेंट देखने को मिले। लेकिन आज के एपिसोड पर मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना पसंद करूँगा कि दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो अपने प्यारे से कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख करके दें। उसकी बदौलत हमें पता चलता है हमारी कमियों का। तो अगर कमेंट करते हैं तो साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट एक बात यह भी बता दूं कि अगर कमेंट करते हैं तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के दूसरे एपिसोड के 5 गीतों की। 1962 में राज खोसला की एक बेहद ही पॉपुलर फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था एक मुसाफिर एक हसीना। जोय मुखर्जी, साधना और राजेंद्र नाथ द्वारा अभिनीत इस फिल्म का संगीत दिया था ओपी नैयर ने। आप सब जानते हैं कि ओपी नैयर साहब जो डिसिप्लिन के बेहद ही चुस्त थे, वो किसी भी चीज को अपने रिकॉर्डिंग के दरमियान टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया करते थे। ओपी नैयर साहब, जिन्होंने देर से आने के लिए मोहम्मद रफी साहब से कई बरसों तक परहेज कर लिया था और महेंद्र कपूर साहब से गवाना शुरू किया था, ऐसे ओपी नैयर साहब का संगीत का रिकॉर्डिंग शुरू होना था। गीत था मैं प्यार का राही हूं, तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाओ। पूरी टीम पहुंच गई लेकिन रिदम सेक्शन के आर्टिस्ट जो रिकॉर्डिंग पर पहुंचे नहीं, ओपी नैयर साहब ने थोड़ा इंतजार किया और बाद में अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो को कर दिया अंदर से लॉक। बाहर आर्टिस्ट पहुंच चुके थे, उनको स्टूडियो में एंट्री नहीं मिली। ओपी नैयर साहब ने ये गाना गिटार पियानो के वैम्स पर ये गाना रिकॉर्ड किया, पूरे रिदम सेक्शन को गीत से हटा दिया गया और गाना रिकॉर्ड हुआ जो आज भी इतना ही पॉपुलर है। फिल्म डायरेक्टर को लगा कि फिल्म का ड्यूरेशन बहुत लंबा बन चुका है, फिल्म में इस गीत की अभी ज़रूरत नहीं है और ओपी नैयर साहब भी चाहते थे कि बिना रिदम के बना ये गीत लोग पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन हुआ उस बिल्कुल उलट, गाना बेहद ही पॉपुलर रहा लेकिन फिल्म का सिरिन कभी भी इस गीत को नसीब नहीं हो पाया। 1956 में एक फिल्म आई थी, देवानंद और शकीला द्वारा अभिनीत, फिल्म का नाम था सीआईडी। सीआईडी फिल्म में भी संगीत था ओपी नैयर साहब का। गीता दत्त की आवाज में एक बड़ा ही प्यारा सा गीत रिकॉर्ड हुआ, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50। गीत रिलीज होने के बाद सेंसर बोर्ड को लगा कि इस गीत में लिरिक्स में जो वर्ड्स आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं 50, कुछ तेरे दिल में 50, ये प्रसारण के योग्य नहीं है। गीत को फिल्म से हटा दिया गया और गाना कभी स्क्रीन तक पहुंचा ही नहीं। कुछ वर्षों के बाद वहीदा रहमान जी ने कहा कि दरअसल सेंसर बोर्ड को एतराज़ था
वो वर्ड 50 नहीं था बल्कि वर्ड्स थे, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। साल 1961 में एक फिल्म आई थी, शम्मी कपूर शर्मिला टैगोर द्वारा अभिनीत। फिल्म का नाम था कश्मीर की कली। संगीत था फिर से ओपी नय्यर साहब का। कश्मीर की कली फिल्म के सभी गाने बेहद ही पॉपुलर है, लेकिन एक गाना था बलमा खुली हवा में। गीत रिलीज हुआ, ऑडियो पर गाना पिक्चराइज हुआ स्क्रीन पर, गाना स्क्रीन पर रिलीज भी हुआ। एक हफ्ते तक यह गाना स्क्रीन पर चला। उसके बाद सेंसर बोर्ड को लगा कि इस गाने के दौरान शर्मिला टैगोर जी का दुपट्टा हवा में उड़ करके नीचे सरक गया है, हालांकि शर्मिला जी ने स्क्रीन पर पूरे के पूरे कपड़े पहने हुए थे। उस वक्त ये बात को कंसीडर नहीं किया गया कि ये प्रेक्षकों के दर्शकों के देखने के अंदाज से कुछ खटकने वाली बात लगी। गाना इतना ही पॉपुलर रहा, ऑडियो रिलीज हो जाने के कारण ये गाना हमें सुनने को आज भी मिल रहा है, लेकिन गाना एक वीक के बाद स्क्रीन से हटा दिया गया। ओपी नय्यर साहब के तीन गीतों के बाद अभी बात करनी है जयदेव साहब की। 1973 में एक फिल्म आई थी, वेद राही साहब की फिल्म। फिल्म का नाम था प्रेम पर्वत। जयदेव साहब द्वारा बनाए इस फिल्म के चारों गाने बेहद ही पॉपुलर रहा। एक गीत था ये दिल और उनकी निगाहों के साए। फिल्म का दूसरा एक गीत था मीनू पुरुषोत्तम जी की आवाज से बना श्रृंगार रस से सजा, बड़ा ही पॉपुलर गीत रात पिया के संग जागीरे सखी, और लता मंगेशकर की आवाज में बना और एक गीत मेरा छोटा सा घर। लेकिन एक गीत था ये नीर कहाँ से बरसे, ये बदरी कहाँ से आई रे। इन चारों गीतों के ऑडियोस पहले रिलीज हो चुके थे, लेकिन कुछ खास वजहों से फिल्म प्रेम पर्वत उस वक्त रिलीज नहीं हो पाई थी। कुछ वर्षों के बाद जब वेद राही साहब ने इस फिल्म को रिलीज करने हेतु संपर्क किया स्टोरेज पर, तो उनको पता चला कि ये फिल्म पूरी की पूरी जलकर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिल्म प्रेम पर्वत कभी भी सिल्वर स्क्रीन पर पहुंची नहीं। गाने उनके रेडियो पर आकाशवाणी पर प्रिजर्व हुए थे, तो ये ऑडियो हमें सुनने को मिला। आज भी जितने भी गीत प्रेम पर्वत के यूट्यूब पर हम देख रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें वो पूरी तरह से एडिटेड वीडियोस हैं। ओरिजिनल प्रेम पर्वत का विजुअल किसी भी जगह पर अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर संपन्न करें। बड़े ही पॉपुलर गीत जो फिल्म से रहे दूर, स्क्रीन से रहे दूर, उसका और 5 गीतों का एपिसोड आपके लिए पेश करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे।